हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट्स। सो फ्रेंड, आज मैं आपको सुबह का व्यू दिखाती हूँ और उसके साथ में कुछ प्लांट्स ऐसे दिखाऊंगी जो बिना केयर के बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। मेरे गार्डन के कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको मैंने पिछले 6 महीने से बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया है। बस इनमें क्या है, जो बारिश का पानी हुआ है वही आया होगा। पानी तो मैं देती हूँ, खैर हर रोज़ देती हूँ सुबह के टाइम, लेकिन जो गुड़ाई खाद डालना होता है, फर्टिलाइज़र होते हैं, वो इस बार नहीं दिया गया। मेरे गार्डन में कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको सिर्फ पानी के सिवा और कुछ मिला ही नहीं है, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं हुई है। और आइए मैं आपको अपने गार्डन के एक नए मेहमान से मिलवाती हूँ। ये थे तो दो, लेकिन एक कहाँ चला गया पता नहीं, हो सकता है उसकी जो चिड़िया है, जो इनकी मम्मा है, वो ले गई हो। बाकी का ये एक बच्चा है और देखो, ना ही तो ये उड़ता है, ना जंप लगा के नीचे कूदता है, बस इसे पता है कि कोई आया हुआ है तो ये इधर उधर हो रहा है, अनकम्फर्टेबल है। और जब इसकी माँ आती है तो वो दाना लेकर आती है तो ऐसे खिल खिल के, मतलब मुंह खोलता है, दाना खाता है और फिर बहुत अच्छे से, जो भी माँ बेटा बेटी हैं, बहुत अच्छे से बैठते हैं घोंसले में। और चलिए आपको मैं दिखाती हूँ ये जो घोंसला है, जिस चीज़ से भी बना हुआ है, लकड़ी है या फिर घास है, थोड़ी थोड़ी रोज निकल कर गिर जाती है और लकड़ियाँ टूट कर साइडों से निकल कर गिर जाती हैं। जब इसमें घोंसले में एग थे तो मुझे लगता था कि एग गिर ना जाएं, तो मैंने पीछे वाली बालकनी में बिल्कुल काम बंद कर दिया था, धीरे से पानी दे कर के आ जाती थी, क्योंकि वो चिड़िया यहाँ पे बैठी हुई होती थी, ऐसा ना हो कि जैसे ही मैं बालकनी में जाऊँ वो झटपट आके उड़े एकदम, क्योंकि चिड़िया वगैरह तो डरते हैं ना, तो कहीं ये एग ना गिर जाए। तो बड़े धीरे से हम काम करके आते थे, खैर वो कंफर्टेबल रहती थी, बैठी रहती थी। ये देखो छोटी बर्ड है, ये भी गिर नहीं रही है, कैसे आराम से बैठी हुई है। और यहाँ पर मैंने एक बकेट ला कर रखी है, इसमें मैंने कुछ सीड्स डाली थी फ्लावरिंग की, तो वो अभी निकलने में उनका टाइम है। लेकिन उससे पहले मैंने कभी, पता नहीं कभी, 2-3 वो डाले थे करेले, जैसे घर में ही बनाते हैं, तो उनकी सीड्स निकली थी तो मैंने इसमें डाल दी। और देखो कितने अच्छे से चले हैं, मैंने इनको लगाया नहीं है, बस ऐसे ही डाल दिए थे। और अब मैंने इस बकेट को यहाँ रख दिया है, क्योंकि अगर ये फैलेगी बेल तो इधर फैलने की जगह है। मैंने करेले की और तोरी की जो सीड्स हैं वो लगाई थी और काफ़ी अच्छे से वो फैली भी हैं, और करेले और तोरी उस पर आए भी हैं। और अब मैंने उसको उखाड़ दिया, मतलब निकलवा दिया था, क्योंकि बंद हो गए थे, फूल भी नहीं आ रहे थे, बहुत फैल गई थी। तो ये पता नहीं सीड्स अपने आप हो गए, हो सकता है एक दो रह गए हों। ये मेरी वो बालकनी है जो पिछले 1 महीने से कोई केयर किसी भी तरह की मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, इन चिड़िया के जो बच्चे हैं उनकी वजह से। बस फटाफट आती थी, धीरे से पानी डालकर चली जाती थी कि कहीं वो उड़ ना जाएं, गिर ना जाएं। और देखो फिर भी पौधे कितने अच्छे से चल रहे हैं, कि फ्लावरिंग कितने अच्छे से हो रही है। और ये है पान की बेल जो थोड़ी सूख गई थी, वो देखो कितने अच्छे से चल रही है, मैंने इसकी कटिंग कर दी थी। देखो जो पान के पत्ते हैं वो कितने अच्छे से निकल रहे हैं, वैसे भी नवरात्रे आने वाले हैं, तब तक तो ये बहुत फैल जाएगी। वैसे तो जब ये पान की बेल मेरे यहाँ नहीं थी तो मार्केट से ही मंगाते थे पत्ते पूजा के लिए, लेकिन अब मैं, पिछले साल भी मैंने यहीं से यूज किए थे अपने ही गार्डन से, और इस साल भी देखो, और अभी तो काफ़ी टाइम है नवरात्रे आने के लिए, तो ये काफ़ी फैल जाएगी, बहुत सारे पत्ते निकल आएंगे। ये है पत्थर चट्टी का पौधा, ये ओरिजिनल पौधा है। और आप कहेंगे कि आपको कैसे पता है कि ये ओरिजिनल है, आप कहीं पर भी देख लेना, किसी से भी पूछ लेना, जो ओरिजिनल पत्थर चट्टा होता है उस पर फ्लावरिंग कभी नहीं होती, किसी भी तरह की सीड्स नहीं आती, बस लीफ ऐसे ही निकलती रहती हैं। बड़ा तो ये हो जाता है, इसके जो पत्ते हैं ये भी काफ़ी बड़े हो जाते हैं, लेकिन इस पर किसी भी तरह का फूल नहीं आता। मेरे पास एक और पत्थर चट्टा है, बस इसमें ये चेंज होता है कि ये ओरिजिनल है वो लोकल है, लेकिन उसको भी कहते हैं पत्थर चट्टा। इसकी लीफ पतली होती हैं, उसकी थोड़ी मोटी होती हैं, और जो उस पर फूल आते हैं वो रंग बिरंगे आते हैं, वो हर कलर में होता है, लाल रंग का भी होता है, पिंक होता है, और वाइट भी होता है, और रेड में भी आता है, पर्पल में भी आता है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होता है, लेकिन उसका नाम पत्थर चट्टा होता है। ये कुछ हैंगिंग बास्केट हैं जिनमें मैंने कोई खाद नहीं लगाया है, बस जब स्टार्टिंग में इनको लगाया था 9-10 महीने पहले, बस तभी खाद डली होगी इनमें,
वो भी जब मैंने इसका मिट्टी का मिक्सर तैयार किया था। फिर गुड़ाई नुलाई का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इतनी फैल जाती है, बस मैं पानी ही डालती हूँ। देखिए कॉर्नर जो था यहाँ पे खाली ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने दो बोतलें रख दी और देखो उन पे पेंट करके ऐसे ब्लैक और रेड डॉट डॉट कर दिया और मनी प्लांट लगा दिया। तो ये कॉर्नर भी देखो कितना सुंदर लग रहा है और बोतलें तो सुंदर लग ही रही है ना। और ये मेरे गार्डन में बास्केट है, बहुत पुरानी बास्केट है और देखो इसमें मनी प्लांट कितनी फैल रही है और कितने अच्छे से चल रहा है। बस इसको भी मैं जल्दबाजी में पानी ही डालती हूँ, आज तक कोई फर्टिलाइज़र या मैंने इसमें किसी भी तरह का खाद नहीं डाला है। तो मेरे बहुत से प्लांट ऐसे हैं जो बिना खाद के बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स बाय। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको मेरे गार्डन में जो पौधे हैं वो कैसे लगे हैं और देखो बिना खाद के बिना फर्टिलाइज़र के कितने अच्छे से चल रहे हैं।